वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हूं राकेश सेठी और आप देख रहे हैं फूड दिस वीक, यानी कि वो तमाम खबरें इस हफ्ते की जो खाने से जुड़ी हुई हैं। अब बारी आती है इस हफ्ते के फूड रिकमेंडेड प्रोडक्ट की। आइए एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या है इस हफ्ते का फूड रिकमेंडेड प्रोडक्ट ऑफ द वीक। एक जमाना था कि चीज हम सर्व करते थे प्लेटर में तो साथ में कुछ मैंडेटरी एकम्पलीमेंट्स सर्व किए जाते थे, तो उसमें हमें एक एकम्पलीमेंट था क्रैकर बिस्किट। तो उसके लिए हमें बड़े बड़े टिन्स में या पैकेट्स में लेके आने पड़ते थे वो बिस्किट्स, और उनको हम फिर निकाल के सर्व करते थे। बाकी के जो टिन थे वो ज़्यादातर ओपन होने की वजह से सॉगी भी हो जाते थे। लेकिन जमाना बदलता गया, हर जगह उन्नति होती गई, तरक्की होती गई। ऐसी एक तरक्की का सबूत मेरे हाथ में है इस समय। मेरे पास इस समय है ब्रिटानिया का क्लासिक लाइट क्रैकर। ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, होलवीट से बना हुआ। सबसे खास बात यह है इसकी, और उसके अलावा ये एक 100 ग्राम का पैकेट है जो सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का। अब बताइए ना, अगर मैं ट्रेवल भी कर रहा हूँ या मुझे अपने साथ कुछ लेके जाना है गाड़ी में मंच करने के लिए, तो मैं इसको कैरी कर सकता हूँ। छोटा पैकेट है, उसके अलावा एक टाइम यूज करने के लिए काफी है। आपको बड़े बड़े टिन नहीं खोलने पड़ेंगे, सिर्फ एक छोटा सा पैकेट खोलिए और आपकी एक सर्विंग या उस समय की जो सर्विंग्स हैं वो पूरी हो सकती हैं। आप इसको प्लेटर में लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर कैनोपीज बना कर सकते हैं। पार्टीज होती हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, उसके ऊपर आप टॉपिंग लगाइए और बढ़िया सी एक कैनोपी तैयार हो जाती है। चीज के साथ एज एन एकम्पलीमेंट अगर आपने इसको सर्व करना है तो जस्ट ओपन ए पैकेट, एकदम ताजा है इसलिए क्रिस्प निकलते हैं क्रैकर्स इसके अंदर से, बहुत बढ़िया है और वाकई काफी लाइट भी है। तो इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस हफ्ते मैं रेकमेंड करता हूँ आपको, आपके लिए, आपको कभी मंच करना हो, कैनोपीज बनानी हो, एकम्पनीमेंट के लिए सर्व करना हो, सो प्लीज ट्राई दिस ब्रिटानिया का क्लासिक लाइट क्रैकर। फूड रिकमेंडेड प्रोडक्ट ऑफ द वीक के बाद अब बारी आती है एक रेसिपी की। अब देखिए ना, इटालियन खाना कितना ज्यादा प्रख्यात होता जा रहा है, कितना फेमस होता जा रहा है, कितना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। और जब हम इटालियन खाने की बात करते हैं, जस्ट नॉट अबाउट पिज्जा, पास्ता भी कई तरह का होता है। उनमें से एक ऐसा पास्ता है जो हम लोग बार बार खाते तो हैं, हम बार बार बनाते हैं नहीं ना, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं लज्जानिया की। तो आइए चलते हैं शेफ राजीव अरोड़ा के पास और उनके साथ मिलकर बनाते हैं लज्जानिया।